सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की। तो आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा सा अलग है इस एक्सरसाइज में। क्या चीज अलग है? इसमें आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है? अब एंगल्स दे रखे हैं तो इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन कैसे करोगे। तो मैं आपको पहले ट्रिक बताती हूँ, आपको इन एंगल्स की वैल्यू लर्न कैसे करनी है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, ये सबको लर्न हो जाती है इजिली, ठीक है? तो देखो, देखते हैं। मेरे पास कुछ ही एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है? हालांकि 180 डिग्री की भी वैल्यूज याद होती हैं, बट अभी हमारा काम नहीं है, हमें सिर्फ इन 5 डिग्रीज पे फोकस करना है, ठीक है? इसके अलावा जो डिग्रीज होती है वो 11th क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा भी और भी डिग्रीज की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। बेसिक हमें ये 5 लर्न करनी है। सबसे पहला हमारा क्या आता है? साइन थीटा। साइन थीटा की लर्न करो, साइन थीटा की तो लर्न करनी ही पड़ेगी। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है? साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, ठीक है? ढंग से देखो इसको, ढंग से समझो। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। जो साइन 30 डिग्री होता है वो हमारा 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री जो होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है? साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, और ऐसे करते करते साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। तो आप देख रहे हो 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन हमारा क्या होता है? कॉस थीटा। अब देखो, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे इसको लेफ्ट टू राइट लिखा है, इसको आप राइट टू लेफ्ट लिख दो। मतलब कॉस 0 जो होगा वो 1 होगा, कॉस 30 जो होगा वो √3/2 होगा, कॉस 45 डिग्री तो वही होगा, बीच की वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री ये होगा 1/2, और कॉस 90 ये होगा 0। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर 0 से 1 तक वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, इधर 1 से 0 तक डिक्रीज हो गई। डन, कुछ याद नहीं करना, सेम वही वैल्यूज हैं, क्रॉस हो रही हैं। 0 की जगह 90, 90 की जगह 0, 30 की जगह 60, 60 की जगह 30 और 45 फिक्स है। हो गया, कोई मुश्किल नहीं लगी? अब आ जाओ टैन पे। आप लोगों को आगे जाके पढ़ाया जाएगा, ये एक नॉर्मल सी बात है ये, कि हमारे पास साइन क्या होता है? पी अपॉन एच। कॉस क्या होता है? बी अपॉन एच। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालूं तो टैन ही तो आ जाएगा, पी अपॉन बी, करेक्ट है ना? तो एक तरीके से जो टैन की वैल्यू होती है वो साइन अपॉन कॉस होती है। तो निकालो, टैन 0 क्या होगा? 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, 1/2 √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल, 1, √3/2, 1/2, 2 कैंसिल, √3, 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आती है, हम उसको क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड, ठीक है? तो ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हुआ? रेशियोज ले ली, चलो बहुत अच्छी बात है, इधर भी बच गए मेहनत से। अब आते हैं कॉसेक पे। अब सबको पता है कॉसेक जो है वो क्या है? वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है? जैसे हम इसको 0/1 लिख सकते हैं, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 इज 2/1, तो 2 लिख दो, 2/1 लिख दो, एक ही बात है, 1/√2 इज √2/1, √3/2 इज 2/√3, और 1/1 इज 1, ठीक है? तो देखो, साइन का लर्न करा था, उसके बाद 3 तो हमने और लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेक पे आते हैं, सेक लिखो। अब देखो, जैसे साइन ऐसे लिखा और कॉस ऐसे लिख दिया, ठीक है? वैसे कॉसेक ऐसे लिखकर सेक को चाहे ऐसे लिख दो तो भी करेक्ट है। कॉस का रेसिप्रोकल कर दो जैसे कॉसेक में करा है साइन के लिए, वो भी करेक्ट है। जो आपको अच्छा लगता है वो कर दो। मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रही हूं, ये 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2, ये नॉट डिफाइंड। चेक करके दिखा देती हूँ, 1/1 इज 1, 2/√3, √2, 2, 0/1 इज 1/0, नॉट डिफाइंड, ठीक है? सही होता है, एकदम करेक्ट जाता है ये। अब क्या बच गया? tan, tan सॉरी cot, tan तो हो गया, cot पे आ जाओ। cot वाला कैसे करेंगे? cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। तो कैसे करोगे? थोड़ी सी पेन की सिमेट्री खराब हो गई, कोई नहीं, वो क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है।
तो 0/1 इज 1/0, नॉट डिफाइंड. 1/√3 इज √3/1. 1/1 इज 1. √3/1 इज 1/√3. नॉट डिफाइंड क्या था? 1/0, वो हो जाएगा 0/1. हो गया. तो बेसिकली मैंने सिर्फ क्या लर्न करा, मैंने सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करी और मेरे को बाकी के 5 फंक्शंस की वैल्यू जो है वो अपने आप ही लर्न हो गई. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसमें, आपको थोड़े टाइम तो इसको आपको दिक्कत आएगी, आप थोड़ा हेल्प ले लेके इसकी वैल्यूज पुट करो, लेकिन धीरे धीरे इसको आपको याद रखना है. ठीक है, ये वैल्यूज याद रहेंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आप 8.2 का क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. जैसे मैं आपको डेमो देती हूँ. ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास वैल्यूज किस हिसाब से है. फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट करके दिखा रही हूँ मैं पहले आपको. ठीक है, ट्वाइस ऑफ टैन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. ठीक है, अब देखो मुझे तो वैल्यूज याद है इसलिए मैं आपको बता दूंगी, बट आपको याद करनी पड़ेगी. टैन 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर. कॉस 30 इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर. माइनस साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2. ठीक है, कॉस 30 और साइन 60 सेम होगा ना, तो ये हो गया. आंसर निकालो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा -3/4. कैंसिल, 2 आंसर, डन हो जाएगा. तो बस इसी हिसाब से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको करना है. फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करके देखते हैं, फोर्थ फिफ्थ दोनों करवाऊंगी मैं आपको. ठीक है, देखो पार्ट्स बहुत सिंपल सिंपल हैं, इसलिए मैं ऑल्टरनेट पार्ट उठा रही हूँ. अगर आपको प्रॉब्लम लगती है डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई कवर द रेस्ट वन ऑल्सो. फाइन, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट वेरी थिंग, बट इट्स वेरी सिंपल. फाइन, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री. ठीक है, इतना तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है जितना सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं. साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2. टैन 45, 1. कॉसेक 60, रुक जाओ, कॉसेक 60, साइन 60 अभी अभी मैंने पुट करा है √3/2. कॉसेक 60 उसका रेसिप्रोकल होगा तो वो हो जाएगा 2/√3. ऐसे मैंने देखा है कि बच्चों को साइन कॉस टैन तो फिर भी लर्न हो जाता है, बाकी के तीन में दिक्कत आती है, तो जब वो करते हो तो थोड़ा सा अवेयर हो जाया करो, केयरफुल हो जाया करो. सेक 30 डिग्री रिवर्स रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30. कॉस 30 की अभी भी वैल्यू पुट क्या करी है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3. प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 डिग्री क्या होगा, 1/2. कॉट 45 क्या होगा, 1. करो वैल्यू पुट करो, इधर एलसीएम क्या आया, 2√3, तो इसके 2√3 को 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा √3. 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2√3. 2√3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया 2, ये हो जाएगा -4. ये हो जाएगा 2√3. 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे, बचा 2. 2 2 4. 2√3 को 2 से डिवाइड करा, √3, ये हो जाएगा 2√3. ठीक है, अभी मैंने आपको मीन एक्सट्रीम बताया था कि जब चार फ्रैक्शंस वाले आ जाते हैं तो मीन एक्सट्रीम करते हैं, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट अपॉन में मीन का प्रोडक्ट, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे. क्या बचेगा, 2√3 प्लस √3 इज 3√3 माइनस 4. दिस इज 3√3 प्लस 4. तो यहाँ पर आंसर छोड़ना है, यहाँ पर आंसर छोड़ दो. और अगर आपको वो करना है, इसको रैशनलाइज करके आंसर करना है, वैसे रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4, तो इंटू में 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4. ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे 3√3 का स्क्वायर
माइनस फोर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आएगा, 43 माइनस 24 रूट थ्री, ठीक है, 3 रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 43, 4 थ्री 12, 12 टू जा 24 रूट थ्री, 27 माइनस 16 कितना हुआ 4 7 11, हो गया डन। तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन ढूंढना है इसकी, ठीक है, ऐसे आपका फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, फाइन। इसको प्रैक्टिस करना, इसको अच्छे से करना, और मैं आपको सेकेंड पार्ट में मिलूंगी विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, फाइन। टिल देन डू फॉलो द एग्जांपल्स, डू ट्राई द लेफ्ट आउट क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस करके देखने, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।